विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बा महाकाल के मंदिर में रंगपंचमी पर्व पर ध्वज समारोह की वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन कोरोना काल के चलते बिना श्रद्धालुओं के मंदिर में ही पंडित पुजारियों द्वारा संपन्न किया गया। सभा मंडप में गोधुली बेला में पुजारी घनश्याम गुरु ने महाकाल के सेनापति वीरभद्र जी का विधिवत पूजन अर्चन व आरती की। तत्पश्चात ध्वज पूजन कर सभी ध्वज लेकर मंदिर स्थित पवित्र कोटि तीर्थ कुंड की परिक्रमा करते हुए होलिका पूजन स्थल से सभी वापस सभा मंडप पहुंचे, जहां पुरोहित गण ने परंपरा अनुसार लट घुमाए कर्तव्य दिखाए। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष शहर में बड़े स्तर पर निकलता था ध्वज चल समारोह, लेकिन कोरोना के चलते परमिशन नहीं मिलने के कारण मंदिर परिसर में ही इससे इस बार निकालना पड़ा। रंगपंचमी की शाम 6:30 बजे मंदिर प्रांगण में श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह समिति के तत्वावधान में श्री महाकालेश्वर एवं वीरभद्र भैरवनाथ का पूजन पुजारी पुरोहितों के द्वारा किया गया। इसके पश्चात कलेक्टर आशीष सिंह आदि आमंत्रित अतिथियों ने ध्वज पूजन किया। ध्वजों को मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड व प्रांगण में होलिका के आसपास घुमाने के बाद गेर उत्सव का समापन किया गया। पुजारी पुरोहितों ने भगवान महाकाल से कोरोना की समाप्ति के लिए प्रार्थना की तथा कोरोना समाप्त होते ही शहर व इसके बाहर पंचकोशी मार्ग आदि स्थानों पर बड़ पीपल आम नीम के साथ कई तरह के फलदार व फूलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का संकल्प भी लिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गेर के माध्यम से शहर भर में बाबा के पूजन के बाद संदेश दिया जाता है होली मनाने का, लेकिन इस वर्ष संक्रमण के कारण मंदिर प्रांगण में होलिका का दहन व कोटि तीर्थ कुंड के आसपास ही गेर निकाली गई और विधिवत पूजन अर्चन किया गया।